राज्यसभा नामांकन के लिए देखिए कि एनडीए का जो है नामांकन है, उसमें एनडीए के जो भी गणमान्य नेता हैं सब पहुंचे हुए हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, नित्यानंद राय हो, शहनवाज हुसैन हो, मंगल पांडे हो, सभी लोग जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं। और साथ में देखिए कि नीतीश कुमार भी जो है पहुंचे हुए हैं। एनडीए के तीन उम्मीदवार हैं, जिसमें जो है नाम जो सतीश चंद्र दुबे हैं या पटेल हैं, वही जनता दल यू से खीरू महतो को जो झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं जनता दल यू के, उनको जो है उम्मीदवार बनाया गया है। और देखिए कि यहाँ जो एनडीए के बड़े नेता हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, नित्यानंद राय हो, सभी लोग जो है उनके नामांकन में पहुंचे हुए हैं। और कुछ दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव जो है नामांकन के लिए पहुंचे थे, लेकिन देखिए कि यहाँ जो है जीतन राम मांझी जो है पहुंचे हैं। देखिए कि जीतन राम मांझी जो है वो निकले हैं, कुछ बोलने से जरूर वो इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब आएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंतजार हो रहा है। और देखिए कि जो भी एनडीए के बड़े नेता हैं, चाहे वो शहनवाज हुसैन हो, मंगल पांडे हो, सभी लोग जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं। और देखिए कि आज जो है जो सतीश चंद्र दुबे जो है उनको दूसरी बार जो है ये मौका दिया गया है बीजेपी की तरफ से। वही शंभू शरण पटेल जो पहले जनता दल यू में थे, पेशे से जो है ठेकेदारी करते हैं, उनको जो है एक तरह से उम्मीदवार जो है बनाया गया है एनडीए की तरफ से, यानी बीजेपी की तरफ से। वही जनता दल यू जो है लगातार जो है सस्पेंस चल रहा था कि आरसीपी सिंह को टिकट मिलेगा, अंततः जो है आरसीपी सिंह को टिकट नहीं दिया गया और खीरू महतो को जो है राज्यसभा का टिकट दिया गया। और आज उन्हीं के नामांकन में सभी लोग पहुंचे हैं। रामकृपाल यादव को आप देख सकते हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद, उनको आप देख सकते हैं। नित्यानंद राय को देख सकते हैं जो केंद्र में मंत्री हैं, शहनवाज हुसैन जो उद्योग मंत्री हैं, श्रम संसाधन मंत्री हैं। थोड़ी देर में जो है नीतीश कुमार भी जो है पहुँचने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप देख सकते हैं और उनके साथ जो है खीरू महतो जो है, यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है आप देख सकते हैं। और नीतीश कुमार को जो है आप देख सकते हैं और ललन सिंह हैं उनके साथ, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, वो भी जो हैं उनके साथ हैं। और आगे का जो भी अपडेट हो वो पंकज जो है वो बताएंगे। लेकिन देखिए कि विजय चौधरी भी पहुंचे हैं, लेसी सिंह पहुंचे हैं मंत्री, और जिस प्रकार से जो है एक तरह से जो भी एनडीए के जो भी यहाँ एनडीए एकजुट दिखा और नामांकन में जो है एनडीए एकदम एकजुट दिखा। और यहाँ पे देखिए कि विधानसभा के परिसर में जो एनडीए के सभी जो बड़े नेता थे, सभी लोग जो है जो एनडीए के राज्यसभा उम्मीदवार हैं उनके नामांकन में पहुँचे हैं, चाहे वो मंत्री हों, चाहे सांसद हो, केंद्र में मंत्री हो, सम्राट अशोक चौधरी को आप देख सकते हैं, संजय झा को आप देख सकते हैं। ये सारा जो है विजुअल आपको हम विधानसभा से दिखा रहे हैं। खबर यही है कि तीनों जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नामांकन जो है वो दर्ज कर दिया है, निर्विरोध रूप से आसानी से वो चुने जाएंगे, क्योंकि जो है एक तरह से सतीश चंद्र दुबे जो है उनको दूसरी बार जो है एक तरह से उनको दिया गया है। आगे के अपडेट जो है हमारे साथी पंकज आपको बताएंगे। जनता जंक्शन आप देख रहे थे, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।